मेरा फर्ज था। तशरीफ रखिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। सुनो जी, बाहर जो मेहमान बैठे हैं उनके लिए चाय ले जाओ। बहुत मैं न जानती थी सलीम के तुम जवान होकर चोर और डाकू बन जाओगे। अगर मुझे इस दिन का पता होता तो दामन फैला के तुम्हारी सलामती के लिए दुआएं न मांगती, दिन और रात फागे करके तुम्हें तालीम न दिलवाती। जैसे कि तुम्हारे बाप ने गुर्बत से तंग आकर मुंह मोड़ लिया था, मैं भी पैदा होते ही तुम्हारा गला दबा देती। अब गला दबा लो माँ, मैं तो खुद इस मक्कार दुनिया में जीना नहीं चाहता। बेगैरत इंसान, तेरी इस हरकत ने फंदान का नाम दबो दिया है, मुझे रुसवा कर दिया, मेरी उम्मीदों को खाक में मिला दिया है। अगर ये खबर सुनकर तेरा बाप आ गया तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी? जब वो कहेगा कि तूने मेरे शरीर खून को गंदा कर दिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? परवरदिगार, तू मुझे मौत दे दे ताकि मैं इस बेइज्जती से बच जाऊं। मैं कसम खाता हूँ मैं बेकसूर हूँ, मुझे नौकरी का लालच देकर फंसाया गया है माँ। कौन है वो जालिम जिसने तुमको ये फरेब दिया है? वही जो उस कमरे में फरिश्ता बना बैठा है। खामोश, अपने मोहसिन को बुरा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? उसी ने तो तुम्हारी जमानत दी है। मुजरिम भी तो उसी दगाबाज ने बनाया है माँ। तुम ठीक कहते हो, मैंने तुम्हारी मजबूरी से फायदा उठाकर तुम्हें मुजरिम बनाया है, लेकिन घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम कौन हो। अब मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी जान बचाऊंगा। मैं तुम्हारे इन झूठे वादों पर एतबार नहीं करूंगा। ये वादा मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी मां से कर रहा हूं। जब ये पहचान लेंगी कि मैं कौन हूं, तो ये भी जान लेंगी कि मैं अपना वादा कहां तक सच्चा कर रहा हूं। माँ, ये तुम किस मक्कार के कदमों पर गिर रही हो? नहीं नहीं बेटा, यही तो तेरे बाप है। बाप? हम तो क्या तुम इन्हीं की शराफत के गीत गाया करती थी? माँ, ये बेवफा है, बेरहम है, इन्होंने बाप बनकर बेटे को मुजरिम बना दिया है। मैं ना जानता था कि इंतकाम की आग जो मैंने दूसरों के लिए जलाई थी, उसमें मेरा ही खानदान जल जाएगा। बेटा सलीम, बेटा सलीम, मेरे गले लग जाओ, मुझे एक दफा बाप कहकर पुकारो। बेटा, अब मैं बाप का फर्ज अदा करूंगा, तुम्हें बचाने के लिए अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। कानून की जंजीरों में जकड़ के तो मेरा सुहाग उतर जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं। माँ, बहुत पर कुर्बान होना बेटे का फर्ज है। मैं उनकी जिंदगी और तुम्हारे सुहाग को बचाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दूंगा। मैं अपनी जान तक की बाजी लगा दूंगा माँ। सरताज को मुझे बनने दे, हाल चढ़ता है, सलीम को कुर्बान करती हूँ, तमाम तक हार से मिलती है। शहजाद, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? फरमाइए, किससे मिलना है जी? आपसे।
मुझसे? जी वकील बैठिए, फरमाइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपसे अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने आई। लेकिन बड़ी भी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इंस्पेक्टर हूँ, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए। मगर मेरे दर्द की दवा तो आप ही के पास है, आपने मेरे सलीम को मुजरिम करार दिया है, खुदा के लिए उसे कानून की जंजीरों में न जकड़िए। तुम सलीम की माँ हो? जी हाँ। तुम उस जलील औलाद की सिफारिश करने आई हो जिसने तुम्हारे खानदान को बदनाम कर दिया है, तुम्हें तो चाहिए सलीम को रिहा कराने के बदले तुम उसे मौत की सजा दिलवाओ। माँ का दिल पत्थर नहीं होता हुजूर। नहीं कर सकता, तुम जा सकती। खुदा के लिए मेरे बुढ़ापे पर रहम दीजिए, मेरे सलीम की जिंदगी मुझे भीख में दे दीजिए, मगर मेरे आखिरी सहारे को न तोड़िए। तुम समझती क्यों नहीं, मैं अपने फर्ज में कोताही नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ ये कर सकता हूँ कि सलीम के बाद मैं तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन जाऊं। तुम मुझे बेटा समझ लेना, मैं तुम्हें माँ समझकर सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा। जीते रहो मेरे लाल, तुमने ये कहकर मुझे नई जिंदगी बख्श दी है। जाओ, कानून के रास्ते की दीवार न बनो। जब मुझे माँ कहा है तो भाई की जिंदगी पर भी एहसान करो। कानून तुम्हारी मर्जी है, तुम उसके जुर्मों पर पर्दा डालकर उसे बेखता करार दे दो। मुझे बेईमानी सिखाना चाहती है? सलीम तो क्या, अगर मेरा सगा भाई भी ये जुर्म करता तो मैं उसे फांसी की सजा जरूर दिलवाता। जाओ। हुजूर, ये आपने क्या किया? उसके बहू बेगम संजू बाबा, ये औरत मुझे मेरे फर्ज हटाना चाहती है। एक मुजरिम की मां, ये सलीम की मां नहीं बल्कि आपकी भी मां है। क्या कह रहे हो तुम? वही जो मैं कहना ना चाहता था, वो राज जो आज तक मैंने अपने सीने में छुपाए रखा, आखिर मुझे कहना ही पड़ा। कौन सा राज कहना पड़ा रमजू? नोरा, तुम यहाँ क्यों आई हो? एक दफा मेरे अनवर को मुझसे छीन कर मेरा घर बेचराग कर दिया था, आज मेरे नईम को मुझसे जुदा करके मेरी आंखों की रोशनी छीनना चाहती हो? नईम को छीनना होता तो खुद उसे देकर आपके घर में रोशनी न फैलाती। मैंने खुद अपनी खुशी से खून को खून से मिलाया था ताकि बेटे की अमानत दादी की गोदी में परवान चढ़े। तो क्या नहीं? जी हाँ, वो इन्हीं के बेटे हैं, मुझे बचपन में दे गई थी माँ। बेटा नहीं, खुदा के लिए अपने भाई की जान बचा लो। मैं मजबूर हूँ माँ, मैं मजबूर, मैं आपके हुक्म पर जान कुर्बान कर सकता हूँ लेकिन अपने फर्ज से बदारी करके गुनाहगार नहीं कर सकता। सलीम को मैंने सिर्फ कानून रिहा करा सका। तुमने ये कहकर मेरी आस तोड़ दी है बेटा। मुल्ज़िम अगर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे तो अदालत की तरफ से उसे इजाजत है। मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूँ मिलोर्ड, कानून अब मेरे लिए जो सजा भी तजवीज करे मुझे मंजूर है। मुजरम ने इकबाल जुर्म कर लिया है, लिहाजा मैं अदालत आलिया से दरखास्त करता हूँ कि मुल्ज़िम मौत की सजा का मुस्तहिक है। ठहरिए, मैं अदालत के फैसला सुनाने से पहले कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मिलोर्ड, मुजरम इकबाल जुर्म कर चुका है, अब किसी बयान की जरूरत नहीं। वकील साहब, मेरे बयान से ये जाहिर होगा कि असली मुजरिम कौन है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुजरिम सलीम नहीं, इसका बाप अनवर है। ये तो सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए अपने आप को मुजरिम साबित करके औलाद का फर्ज अदा कर रहा है। लेकिन ये हम कैसे मान लें? दरवाजे पर पहरा लगा दीजिए, मैं अभी मुजरिमों को जाहिर कर दूंगा। इन्हें भी रोक लीजिए, ये भी उसी के साथी हैं। इन्हें रोक लो। लेकिन असल मुजरिम कौन है? असल मुजरिम मैं, मेरा ही नाम अनवर है, मैं ही इसका बदनसीब बाप हूं। इससे पहले मैं 14 साल सजा काट चुका हूं। शेख अलियास का कत्ल मैंने किया था और सुरैया बेगम की मौत में भी मेरा ही हाथ है। तो ये जरायम तुमने किए हैं? जी हजूरे वाला, शेख अलियास दगाबाज था, उसने मुझ पर कत्ल का झूठा इल्जाम लगाकर मुझको सजा दिलवाई थी।
मेरे बीवी बच्चों को मुझसे जुदा किया था। मैंने भी अपना इंतकाम लेकर उस जालिम को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन सुरैया बेगम से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? उसने मेरी माँ को धोखा देकर सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। तुमने कानून को हाथ में लेकर नहायत खतरनाक जुर्म किए। ये सब मेरी बुरी सोहबत का नतीजा है। मेरे खुशामदी दोस्तों ने मुझे गलत मशवरे दिए जिससे मुझे जिल्लत उठानी पड़ी। माँ का घर छोड़ा, फाके किए और जेल की सजा काटी। जेल में पहुंचकर मुझे ये बदमाश साथी मिले जिन्होंने मुझे खूनी डाकू बना दिया। अब मैं अदालत आलिया से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे ऐसी सजा दी जाए जिससे दुनिया वालों को इबरत हासिल हो और लोग मेरी जिंदगी से सबक हासिल कर सकें। इसे हिरासत में ले लो। अदालत अपना फैसला दूसरी पेशी पर मुलतवी करती है। मुलजिम रशीद हामिद सरवर, तुम अनवर के साथ इसके जुर्मों में शरीक रहे हो, इसलिए अदालत आलिया तुम में से हर एक को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। अदालत आलिया मिस्टर सलीम को बाइज्जत तौर पर रिहा करती है। मुलजिम अनवर, तुमने इकबाल किया है, उससे इलियास और सुरैया बेगम के कातिल तुम हो, इसलिए अदालत आलिया दफा 302 ताजीरात हिंद तुम्हें इस जुर्म में सजाए मौत का हुक्म देती है। बाजी खुश करिए, बाजी खुश करिए। अनवर, तुम मैं माँ को छोड़कर मौत की गोद में जा रहे हो। बेटा, मैं तुम्हें बचते नहीं दे सकती। मैंने तुम्हें हाथों से तुम्हें लोरियां देकर सुलाया था, अब इनसे तुम्हें कफन कैसे पहनाऊंगी? खबर कीजिए माँ जी, किस्मत के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। ये किस्मत का लिखा नहीं, मेरी जिद का नतीजा है। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी सख्ती सारे खानदान की तबाही का बायस बन जाएगी। अफसोस ना कीजिए माँ जी, वो तो आपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए एक शरीफ माँ का फर्ज अदा किया था। अगर जोहरा ने आपको बता दिया होता कि वो उस बुढ़िया रंडी की लड़की नहीं बल्कि उसके जाल में फंसी हुई एक शरीफ बाप की बेटी है, तो मुझे आज ये दिन देखना नसीब ना होता। मेरे बाल, तुम इस खानदान की हिफाजत करना, इस घर की अब तुम मालिक हो। आ जाए। आ जाए। आ जाए। आ जाए।